और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। सिंध के जहारकी इलाके में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो ट्रेनों मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में भिड़ंत में अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि कई लोग बोगियों में अभी भी फंसे हुए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां अनियंत्रित होकर दूसरी ट्रैक पर जा गिरी और सामने से आ रही सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। इस कारण बोगियों के टुकड़े हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा आपको हो सकता है कि किस तरह की ये भिड़ंत होगी दोनों ही ट्रेनों की, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है। कई लोग बताया जा रहा है कि अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, बोगियों के टुकड़े हो गए हैं इस दुर्घटना में। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये संख्या है, अभी ये शुरुआती आंकड़े है। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके मारे जाने की खबर बढ़ सकती है, यानी कि मौत का आंकड़ा इसमें बढ़ सकता है और अभी भी घायलों का भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ये देखिए तस्वीरें, पटरियों के आपको हम हालत दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर एक ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रैक पर जा गिरी अनियंत्रित होकर, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस जो दूसरी ओर से आ रही थी वो टकरा गई इस ट्रेन से, और जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 30 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस, इन दो ट्रेनों में टक्कर से यह भीषण हादसा हुआ है। मिल्लत एक्सप्रेस अनियंत्रित होकर के दूसरी ट्रैक पर जा गिरी, उसकी कुछ बोगियां जो है दूसरी ट्रैक पर चली गई, जिसके बाद सर सैयद एक्सप्रेस जो कि दूसरी ओर से आ रही थी वो मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसके बाद यह भीषण हादसा हुआ है। 30 लोगों की मौत की अभी अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 30 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है अभी घायल हैं। जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर घायलों को तो ले जाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इस पूरी घटना में आशंका है कि और भी ज्यादा ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो कि बोगियों में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए, कई जगह बोगियां जो है इस तरह से गिरी हुई हैं कि इसमें कई लोगों के फंसे होने की खबर बताई जा रही है, और इसमें से निकालना, इनका रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। हालांकि जो अभी फिलहाल घायल वहां पर हैं उन सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है, रेस्क्यू का काम यहां पर जारी है। लेकिन ये देखिए पटरियों की स्थिति आप देखिए और किस तरह से बोगियां गिरी हुई है, उससे अंदाजा आपको लगेगा इस घटना के बारे में।